नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ हनी अग्रवाल। जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस एरिया में पंचायत भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा पर्यावरण को लेकर साइकिल रैली निकाली गई। प्रांत संयोजक रामोतार सिंह ने संघ कार्यकर्ताओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई सोच दी। आपको बता दें कि यह यात्रा 26 मार्च से कालिंदगी कुंज नोएडा से शुरू होकर गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कांट होकर आज शनिवार को मुरादाबाद में प्रारंभ हुई। इस यात्रा का मकसद सिर्फ मानव बचाना और प्रकृति का संरक्षण करना ही है। साथ ही साथ उन्होंने इस यात्रा से यह भी जानकारी दी कि अगर जमीन, जन, जंगल सुरक्षित रहेंगे तभी मानव जीवन का बचना मुमकिन है। पूर्ण रूप से जानकारी देते हुए प्रांत संयोजक रामोतार सिंह ने बताया कि धरती माता के लिए, मानव को जगाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए ये मुहिम छेड़ी है। ये मुहिम 26 मार्च दिन शनिवार शनि मंदिर कालिंदी कुंज से प्रारंभ होकर और गाजियाबाद होते हुए बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कांट होते हुए आज हमारे मुरादाबाद महानगर में यह यात्रा प्रारंभ हो रही है। इसके पीछे हेतु केवल एक ही है, मानव बचाना, प्रकृति का संरक्षण करना। पीछे बीते हुए समय में बहुत बड़ी समस्या यानी कोरोना जैसी महामारी आ गई थी। उस महामारी के कारण से पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हाहाकार, त्राही त्राही मच गया था। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अभी ग्लासगो में, ब्रिटेन में ग्लासगो है, वहाँ पर दुनिया के 200 राष्ट्र अध्यक्ष G20 पर भी उन्होंने जलवायु परिवर्तन को लेकर के बहुत बड़ा संकल्प लिया है और कहा है कि दुनिया को बचाना है, जलवायु को ठीक करना है तो हमको पर्यावरण को ठीक करना पड़ेगा। इसी के तहत मानव कैसे बचेगा, सुरक्षित कैसे होगा, प्रकृति का संरक्षण कैसे होगा, जमीन, जन, जंगल ये सब कैसे बचेंगे, ये बचेंगे तो मानव बचेगा, ये नहीं रहेंगे तो मानव नहीं रहेगा। इसलिए हमने संकल्प लेकर के इस मुहिम को छेड़ा है। ये 11 अप्रैल को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इसका समापन होगा। भिन्न भिन्न स्थानों से, भिन्न भिन्न खंडों, नगरों से, जिलों से होते हुए यात्रा वहाँ पर पहुँचेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे साथ मिलकर चलिए, आने वाले समय में आपको भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप भी हमारे साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जनता को भी लगेगा कि मीडिया से जुड़े हुए बंधु भी इस कार्य के लिए संकल्पित हैं, प्रकृति को संरक्षित करने के लिए चल पड़े हैं। इसलिए आपका भी आह्वान है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर बढ़िया खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।